नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में, जो कि काफ़ी रहस्यमयी और फेमस भी है बहुत ज़्यादा, खासकर बिहार में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे माता की मूर्ति पर आप लगातार दृष्टि से, अपनी आँखों से आप देख नहीं सकते, क्योंकि ऐसा लगता है मतलब अपने आप कोई आँख बंद कर देता है। तो ये भी एक काफ़ी रहस्य की बात है। बाकी यहाँ पर एक बलि प्रदान जैसे की जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, तो वहाँ वो उसमें भी एक काफ़ी रहस्य की बात है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा जैसे कि यह जो मंदिर है, यह जो है बिहार राज्य के कैमूर जिला में स्थित है। रहस्यमयी मंदिर माँ का जो मुंडेश्वरी धाम है, आश्चर्यजनक की बात है, यहाँ पर जो है बिना रक्त बहाए बकरी की बलि दी जाती है। इसके साथ ही आप जो है माता की जो मूर्ति है, आप उसको देखना चाहते हो लगातार दृष्टि टिकाए, वो आप नहीं देख सकते, ये भी एक बहुत ही रहस्यमयी बात है। इसके अलावा मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जो है पंचमुखी शिवलिंग है, वहाँ जो है शिवलिंग जो है वह दिन में अपने आप से 3 बार रंग बदलता है, और वह आप देखते रहोगे शिवलिंग को, वह अपने आप कब रंग बदल लेगा यह आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अब यह ऐसी मान्यता भी है कि उसके ऊपर जो है सूर्य की रोशनी पड़ती है उस शिवलिंग के ऊपर, तो जैसे जैसे सूर्य अपने अपने हिसाब से घूमता जाता है ना, उसके हिसाब से वो अपने आप रंग बदलता है। तो सुबह किसी और रंग का दिखाई देगा, फिर दोपहर में किसी और रंग का दिखाई देगा, और शाम को किसी और रंग का दिखाई देगा। तो ये सारी खास बातें हैं इस मंदिर के बारे में, हम पूरी डिटेल्स में आज जानेंगे। और इस मंदिर की स्थापना कब हुई, इस मंदिर के बनावट से आप देख सकते हैं यह मंदिर जो है कैसा दिखाई देता है। एक खास बात और भी है, बिहार में वैसे जो है ज़्यादा पहाड़ नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यह जो है जैसे कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पर जो है ये यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर एक पहाड़ है, और इस पहाड़ के ऊपर ये तकरीबन आपको 608 फीट ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब जाकर यह मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी रोमांचकारी जगह है कि जहाँ पर पहाड़ भी नहीं होते हैं और यह पहाड़ भी है। और ये जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर जो है जो चंड मुंड का वध किया था माता ने, उसके बारे में भी काफ़ी रहस्यमयी कहानी है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पर जो पत्थर और जो यह मंदिर के दीवार हैं, उसको देख कर ऐसा लगता है यह मंदिर लगभग जो है 379 ईस्वी के आसपास यह मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया होता है। यह एक प्राचीनतम तरीके से सबूत मिलते हैं, लेकिन यह चीज़ क्लियर तौर पे नहीं कहा जा सकती कि यह मंदिर बनाया कब गया था, क्योंकि इसका कोई इतिहास है ही नहीं। पहाड़ी पर अगर मान ली, पहाड़ जो ये बना हुआ है और इतनी ऊंचाई पर जो ये मंदिर बना हुआ है 608 फीट ऊपर पर, इसको इतने ऊपर जो है इतने सारे पत्थर को ले जाना और इस मंदिर को बनाना, यह काफ़ी रहस्यमयी बात है। बाकी इसमें जो मंदिर में, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जो भी ये पत्थर आपको दिख रहे होंगे इतने बड़े बड़े, इस पे जो है एक जो है जैसे कि सिद्ध यंत्र होता है, वो सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं संस्कृत में पूरे मंदिर के ऊपर। तो यह भी एक काफ़ी खास बात है कि उस समय में, जब समय यह मंदिर बनाया गया होगा, उस समय यह सारी चीज़ें कैसे उपलब्ध हो पाई होंगी, 608 फुट के ऊपर यह पत्थर पहुँचाना, और उसके बाद उसके ऊपर जो है नक्काशी से जो संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखना, तो यह भी काफ़ी रहस्यमयी बात है। एक पौराणिक कथा के अनुसार दो राक्षस हुआ करते थे जिनका नाम चंड और मुंड था। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, अगर माता का कभी अपने सीरियल देखा होगा तो आप लोगों को यह याद होगा कि जो चंड मुंड नाम के राक्षस थे, वह जो है क्या करते थे, आदमी को जो है मार कर जो है उनका खून पीते थे। तो ऐसा हुआ था जो है उन्होंने धरती पर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया था, इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे लोगों को कि वो लोग जो है इतना परेशान हो गए। उन्हीं में से जो है एक भक्त थे जो वहीं बिहार के कैमूर जिले के थे, उन्होंने जो है माता से काफ़ी गुहार लगाई, काफ़ी समय तक उन्होंने प्राण प्रतीक्षा किया, माता का जो है पूजा पाठ किया, तो माता प्रसन्न होकर आती हैं और जो है पहले जो है वो चंडमुंड दो राक्षस होते हैं, उनमें से पहले वह चंड को मारती हैं। चंड को जब मार देती हैं और उसका सिर लेकर माता घूम ही रही होती हैं, तो जो मुंड होता है वह भागते भागते जाकर ये जो पहाड़ होता है इसी पहाड़ में जाकर वह छुप जाता है। तो माता जो है काफ़ी समय तक ढूंढती हैं, उसके बाद वह नहीं मिलता है, तो माता जो है उसी पहाड़ पर जाकर थोड़ी देर बैठती हैं, और जब उसको मुंड की जब सांसें फूलने लगती हैं उस पहाड़ के अंदर छिपे छिपे, वह बाहर निकल के आता है, तब माता जो है मुंड को भी मार देती हैं। तो सबसे बड़ी बात है, माता जो है जब उसको वहीं मारती हैं, इस कारण से ये जो पहाड़ है और यह जो मंदिर है इसका नाम इसीलिए जो है मुंड, जो मुंड को मारा था इसीलिए उसका नाम जो इसे मंदिर का नाम है मुंडेश्वरी, तो वहाँ से तो इस मंदिर का नाम जो है मुंडेश्वरी पड़ गया।
और उनका जो दोनों का सर था उसी जो है पहाड़ में दफना दिया। तो ऐसी मान्यता है कि जो जब भी ये मंदिर बना गया होगा तो यह एक चीज़ देख कर बनाया गया है कि यह जो है कितना प्राचीन मंदिर रहा होगा। बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं कि माता की जो मूर्ति है यह भी काफ़ी प्राचीन है और यह गुप्तकालीन है। माता की जो मूर्ति है इसको आप लगातार नहीं देख सकते, आपको प्लग अपनी, ये एक रहस्यमयी बात है, सामने आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। कोई भी आ जाता है दर्शन करने के लिए, वो सामने लगातार नहीं देख पाता है, यह एक रहस्यमयी बात है। काफ़ी खास बात यह भी है, मंदिर के अंदर आप जैसे जाते हैं आपको देखने को मिलता है जो है मंदिर जो है चारों तरफ से आप देखोगे तो यह मंदिर जो है चार मतलब एक पिल्लरों पे टिका हुआ है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं दिखाई गया, चार पिल्लरों पे मंदिर टिका हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया माता की मूर्ति की तरफ आप लगातार नहीं देख सकते, इसके अलावा भी कुछ खास बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है माता का जो मूर्ति है वह जो है माता जो है बराही रूप में विराजमान है। बराही जो है माता का एक रूप है, उसी रूप में माता विराजमान है, जिनका वाहन है महिष। अब बात करते हैं जो बकरे की बलि दी जाती है उससे जुड़े रहस्य के बारे में। यहाँ पर ऐसी मान्यता है जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है पहले आप जाओ दर्शन करो और माता से जो मांगते हो मांगो। आपने जो मांगा अगर आपको मिल गया है तो आपको जो है एक बकरे को ले जाना होता है उसकी बलि के लिए, लेकिन बलि उस तरीके से नहीं दिया जाता कि किसी को मार दिया जाए। यहाँ पर इस तरीके से होता है, आप लेकर जाते हो बकरे को माता के पास, ये जो है जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में दिखा रहा है साफ साफ, आप वहाँ पर जाकर जो है बकरे को जो है ले जाओगे, माता की जो मूर्ति है उसके नीचे थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पर ले जाएंगे बकरे को और वहाँ पर पकड़ के बकरे को सिर्फ लिटा देंगे और उसके ऊपर चावल का जो छिड़काव करते हैं, चावल का जो है छिड़काव मारेंगे, जैसे छिड़काव मारेंगे जो बकरा होगा वह बिल्कुल जो है अचेत पड़ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि वह मर गया है, उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, लेकिन वो हमारा नहीं होता है। लेकिन वही है कम से कम 10 सेकंड से 20 सेकंड तक उसको वैसे को वैसे रखा जाता है। उसके बाद जो पुजारी होते हैं दोबारा जो है चावल का छिड़काव उसके ऊपर जैसे करते हैं माता का नाम लेकर, वह जो है बकरा तुरंत दोबारा से जीवित हो जाता है और बकरे को लेकर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर यह होता है कि माता ने आपकी सुन ली, जैसे आपने मान्यता ली थी माता से कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाएगी तो मैं जो आपको बकरे की बलि दूंगा, तो माता ने उस बात को स्वीकार कर लिया, जो है बकरा जो है जिंदा हो जाता है इस बात को लेकर, क्योंकि माता जो है आई थी धरती पर राक्षस को मारने के लिए, ना कि वो ऐसा कुछ करने के लिए। लेकिन जो माता की ये रहस्यमय बात है कि यहाँ पर जो बकरे की बलि दी जाती है वह एक दिखाने के लिए है, लेकिन जो माता होती हैं माता जो अपनी मान्यता के अनुसार जो माता को चढ़ाता है वह माता स्वीकार भी करती हैं। तीसरी बात, इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ के जो गर्भगृह है वो उसके जैसे माता का मंदिर है, जो गर्भगृह है माता का उसके बिल्कुल सामने एक शिवलिंग है जो कि पंचमुखी, ऐसा देखने को नहीं मिलता है पूरे भारत में, बहुत ही कम ऐसी जगह होंगी जहाँ पर आपको पंचमुखी शिवलिंग देखने को मिलता है। लेकिन यह भी खास बात है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वह पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यह पूरे दिन में 3 बार रंग अपने आप से बदलता है। तो वह रंग कुछ इस तरीके से बदलता है, जैसे सुबह होती है तो एक नॉर्मल तरीके से दिखता है, जैसे फिर एक अब ऐसा हुआ है कुछ जैसे कि वैज्ञानिक ने जो है शोध किया, उन्होंने पाया कि जो मंदिर का जो सामने का हिस्सा है वह थोड़ा सा खुला हुआ है। तो एक बात यह भी है, जैसे जैसे सूर्य अपना जैसे जैसे सूर्य घूमता रहता है, जैसे कि सुबह होता है तो कहीं और से निकलता है, फिर दोपहर में ऊपर आ जाता है, फिर तीसरा जो है शाम को जो है जब अस्त होने वाला होता है उस समय सूरज जो है दूसरी तरीके से दिखता है। तो ऐसी मान्यता है कि जैसे जैसे सूर्य का रंग बदलता है वैसे वैसे शिवलिंग का रंग भी बदलता है। तो यह भी एक काफ़ी खास बात है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वह पंचमुखी के बारे में अगर मैं बात करूँ, पंचमुखी शिवलिंग जो है पूरे भारत में बहुत ही कम देखने को मिलता है और यह उस समय जब यह मंदिर बनाया गया होगा 390 ईस्वी के आसपास, तब पंचमुखी शिवलिंग बनाना और इतने ऊपर बनाना और उसको स्थापित करना यह बहुत ही रहस्यमय बनने वाली बात रही होगी, क्योंकि यह मंदिर वैसे भी इतनी ऊंचाई पर बना हुआ, आप वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं मंदिर की बनावट कैसी है। अब तो ऐसा भी है कि इसका जो है इसके मुख्यतः जो है 4 गेट हैं इस मंदिर के, जिसमें से एक बंद कर दिया गया है क्योंकि उसमें कुछ समस्या हो गई थी और दूसरा गेट आधा बंद कर दिया गया है। तो अभी 2 गेट आपको वहाँ पर खुले हुए जो देखने को अभी मिलते हैं। इसके अलावा जब आप मंदिर की चढ़ाई करने लगते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं जो आप सोचकर हैरान हो जाओ कि यह चीज़ बनी कैसे होगी, लेकिन आपका दिमाग सोच ही नहीं पाएगा। यहाँ पर कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि यह मंदिर बना हुआ है 4 पिल्लरों के उस पर टिका हुआ है।
तो यह था पूरा जो है माता मुंडेश्वरी का जो मंदिर है बिहार में, उसका पूरा यह था जो है तथ्य मैंने आपको निकाल के दिया, जो यहाँ की रहस्य घटनाएं हैं और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वहाँ की रहस्यमय चीज़ें, उसके बारे में पूरी बात की गई है।